बैक टू माई यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट केसेस फॉर कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि हम किस प्रकार से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्या होता है, वहाँ पे हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला था, तो वहाँ पे हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत थी, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की। तो मैंने बताया था कि यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसी वीडियो में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है। तो याद रखना, इसका एक ही केस नहीं है जिससे कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। तो आइए समझते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। याद रखना, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको जब तक रेशियो हमको फाइंड आउट करना नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन पर पकड़ अपनी नहीं बना सकते। कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालना हमारे लिए नामुमकिन है, ठीक है ना, क्योंकि जब रेशियो नहीं आएगा तो हम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो आइए समझते हैं हम पहला केस क्या कहता है। हमारा पहला केस, पी क्यू आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। पी क्यू और आर हैं हमारे पार्टनर हैं, ठीक है, शेयरिंग इन द रेशियो, जो प्रॉफिट बांट रहे हैं वो लोग किस रेशियो में, 5:3:2, तीनों का जो रेशियो है 5:3:2 है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे बोला है ना कैलकुलेट करना है हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ आर एक्वायर 1/10 शेयर फ्रॉम क्यू, यहाँ पे एक सिचुएशन भी रख दी, याद रखना यहाँ से पढ़ना इफ से, इफ आर एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम क्यू, यदि आर है एक्वायर करता है मीन्स लेना चाहता है 1/10 शेयर फ्रॉम क्यू, वो डिमांड कर रहा है एक्वायर कर रहा है क्यू से, फ्रॉम मतलब होता है से, ठीक है ना, तो क्यू से उसको 1/10 शेयर चाहिए, ठीक है, मतलब उसने पी से कोई डिमांड नहीं किया, आर ने पी से कोई सॉरी क्यू ने पी से कोई डिमांड नहीं किया है, किससे डिमांड किया है, आर से डिमांड किया है, ठीक है ना, कितना 1/10 शेयर। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, पी इज अ न्यू शेयर, पी का न्यू शेयर कितना है, पी का जो शेयर है वो हमारा है 5/10, याद रखना 10 कैसे आया, 5+3+2, टोटल जो रेशियो है वो नीचे आता है, जिस पार्टनर का निकाल रहे वो ऊपर आता है। तो पी का कितना है, पहला 5 है तो 5/10। देन क्यूज न्यू शेयर, क्यू का शेयर कितना है, 3/10, ठीक है, देन वहीं आर का कितना है, 2/10, ठीक है ना, 2/10। अब जो सिचुएशन कह रहा है वो आर को चाहिए कितना, 1/10 शेयर फ्रॉम क्यू से, ठीक है ना, क्यू से चाहिए, तो देखिए आर को चाहिए किससे, क्यू से, तो क्यू का कितना शेयर है, 3/10, कितना चाहिए, 1/10, फ्रॉम मतलब यहाँ पे समझ लेना है, फ्रॉम मतलब होता है से, एक और मतलब होता है एक ऑफ होता है, ठीक है ना, ऑफ का मतलब होता है का, उसके शेयर का, तो जब ऑफ आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रॉम आता है तो हम करते हैं माइनस, ठीक है, तो उसको 1/10 शेयर चाहिए, ठीक है ना, फ्रॉम क्यू, क्यू से, तो देखिए 3/10 तो उसका शेयर है क्यू का, माइनस 1/10 क्योंकि इससे चाहिए, क्योंकि जिससे चाहिए उसी में से लेस करेंगे, तो क्यू से चाहिए 1/10, तो मैंने लेस कर दिया 1/10। देन 10 ले लेंगे हम एलसीएम, 10 आ जाएगा एलसीएम, देन 3-1, अभी 3-1 कैसे आया एक बार समझ लेना, 10 का जब हम 10 से डिवाइड देंगे तो आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो आएगा 3। देन सेम एज 10 का मल्टीप्लाई सॉरी 10 का डिवाइड 10 से किया तो आया 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 1, देन 3-1 डेट्स बिकम 2/10, ठीक है, ये आ गया 2/10। ऐसे ही हम आर का निकालेंगे, आर का रेशियो पहले से कितना था, 2/10 प्लस उसने कितना एक्वायर किया था, 1/10, इसके में से ले लिया और इसको दे दिया, जब इससे लिया तो माइनस, दे दिया तो प्लस, 1/10 इसमें हम कर देंगे प्लस। देन सेम है जो यहाँ पे किया था एलसीएम, यहाँ पे भी कर देंगे 2+1 डेट्स बिकम 3/10, ये आ गया हमारा 3/10। और पी के में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पी ने ना तो दिया है और ना ही लिया है, तो इसका रेशियो रहेगा हमारा सेम। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, वो हमारा कितना है, 5:2:3, 10:10:10 तो कट जाएगा तीनों आपस में, तो क्या बचेगा, 5:2:3, ये आ गया हमारा 5:2:3, तो ये हो गया हमारा
पहला केस, ठीक है। देन केस आता है हमारा सेकंड, देखिए तो केस सेकंड क्या कहता है, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द 5-3-2। क्वेश्चन मेरा सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, वही क्वेश्चन है, पी क्यू आर पार्टनर थे, 5-3-2 में बांट रहे थे। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। इफ आर एक्वायर 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, इस बार जो आर है वो एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर, ऊपर भी 1/10 ही कर रहा था बट वो सिर्फ क्यू से डिमांड कर रहा था, इस टाइम वो कह रहा है कि उसको 1/10 शेयर चाहिए इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, पी और क्यू से उसको इक्वली चाहिए, ठीक है, 1/10 ही उसको चाहिए इक्वली दोनों से। तो 1/10 का इक्वली कैसे होगा, तो आइए समझते हैं। देखिए 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डेट्स बिकम 1/20। अब ये 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1/10 चाहिए उसको शेयर, बट कैसे चाहिए, इक्वली दोनों ही आधा आधा देंगे। अब दोनों ही आधा आधा देंगे 1/10 का, तो दो लोग देंगे तो 1/2 से मैंने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे हमारा 1/20, ठीक है। देन पी न्यू शेयर, अब पी का न्यू शेयर क्या होगा, पी का शेयर कितना था, 5/10 माइनस कर देंगे हम इसमें से 1/20। 1/20 क्यों माइनस किया, क्योंकि उसको दोनों से चाहिए, ठीक है ना, पी से भी चाहिए और क्यू से भी चाहिए, कैसे चाहिए, इक्वली। अब मैंने अभी अभी निकाला इक्वली 1/20, तो 5/10 माइनस 1/20। अब हम ले लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 20, देन 10 का डिवाइड जब हम 20 में देंगे तो आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो आएगा हमारा 10, माइनस 20 का डिवाइड 20 में दिया 1, 1 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो आएगा 1, देन 10 माइनस 1 डेट्स बिकम 9/20, तो ये आ गया हमारा पी का, ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं क्यू का, क्यू का न्यू शेयर क्या होगा, पहले तो देखिए ओल्ड कितना है उसका, 3/10 माइनस 1/20 से भी चाहिए, तो 1/20 से भी लेस कर दिया, 20 एलसीएम आ गया, 10 का डिवाइड 20 से 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया 6, माइनस 1 इक्वल टू 5/20, तो ये आ गया हमारा किसका, इस बार क्यू का आ गया। अब आर को तो चाहिए, आर तो देगा नहीं, आर तो सिर्फ लेगा, तो 2/10 तो इसका शेयर था, प्लस दोनों से हाफ हाफ ले रहा था, तो कितना बन गया इसका 1/10, उसको चाहिए था ये 1/10 चाहिए था, इक्वल टू 10 ले लिया एलसीएम, 2+1 डेट्स बिकम 3/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना, 20 20, बट देखिए लास्ट में यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, इसलिए तीनों का दोबारा से आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो आएगा 20, और देख लीजिए एक बार 20 एलसीएम आ गया, 20 के बाद 20 से देंगे तो आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो 9, 20 का 20 से दिया 1, 1 का दिया तो 5, 10 के टेबल में 20 आता है 2 times, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, ठीक है ना, तो ये तो कॉमन है तो ये तो हट जाएगा, तो क्या बचा 9:5:6, तो ये हो गया हमारा दूसरा केस। आइए समझते हैं हम तीसरा केस, तो ये है हमारा तीसरा केस, आइए समझते हैं तीसरा केस, पी क्यू आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5-3-2, ठीक है, सेम था, यहाँ से बस क्वेश्चन चेंज होगा, पी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड क्यू सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन अ फेवर ऑफ आर, ठीक है ना, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रेशियो तो आपको समझ में आ गया, 5-3-2 में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपने रेशियो को, यहाँ पे जो पी है वो अपने शेयर का, यहाँ पे ऑफ आया है याद रखना, अभी भी मैंने बताया था, फ्रॉम मतलब से मीन्स हो जाएगा माइनस, ऑफ मतलब का होगा मल्टीप्लाई, अब क्यों होगा वो भी समझते हैं, पी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 क्या कर रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, मीन्स माइनस कर रहा है, बताया था सेक्रीफाइस पार्टनर कौन होता है, एंड क्यू सेक्रीफाइस, वहां पर क्यू भी है और क्यू भी सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 1/4 ऑफ हिज शेयर, इसमें भी आ गया ऑफ, यहां पे भी ऑफ, इन अ फेवर ऑफ आर, आर के फेवर में, तो हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। आइए करते हैं पी शेयर, अब पी का शेयर कितना है बताइए,
फाइव अपॉन टेन है कि नहीं, ठीक है। तो फाइव अपॉन टेन मल्टीप्लाई फाइव एन अपॉन थ्री। अब मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था, पी अपने शेयर का, यहाँ पे आगे ना कहा वन अपॉन थर्ड शेयर किसको दे रहा है, आर को। तो पहले पता करेंगे कि पी का वन अपॉन थर्ड, उसके शेयर का वन अपॉन थर्ड कितना होता है। तो फाइव अपॉन टेन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन थ्री किया तो फाइव अपॉन थर्टी। तो फाइव अपॉन थर्टी किसको दे देगा, ये दे देगा आर को, ठीक है। तो अब ये फाइव अपॉन टेन माइनस फाइव अपॉन थर्टी क्यों किया, अब ये तो पता करना पड़ेगा ना कि पी के पास कितना बचा, जब उसने अपने शेयर का फाइव अपॉन थर्टी दे दिया तो उसके पास कितना बचा। तो पहले उसका रेशियो फाइव अपॉन टेन था, माइनस कर दिया मैंने फाइव अपॉन थर्टी जितना वो दे रहा था, देन थर्टी आ गया एलसीएम, टेन का डिवाइड जब मैंने थर्टी में दिया तो आ गया थ्री, थ्री का मल्टीप्लाई फाइव से किया तो आ गया फिफ्टीन, देन थर्टी डिवाइडेड बाई थर्टी डेट्स बिकम वन, और वन इज मल्टीप्लाई बाई फाइव डेट्स बिकम फाइव, ठीक है। देन फिफ्टीन माइनस फाइव टेन अपॉन थर्टी, तो ये आ गया पी का ओरिजिनल शेयर जो अब उसके पास रिमेनिंग बचा हुआ है। ऐसे ही सेम है हम क्यू का निकालेंगे, थ्री अपॉन टेन उसका शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन फोर से, क्योंकि वो अपने शेयर का कितना दे रहा है, वन अपॉन फोर्थ दे रहा है। तो इसके शेयर का वन अपॉन फोर्थ कितना बनता है, थ्री अपॉन फोर्टी। देन जब उसने थ्री अपॉन फोर्टी दे दिया तो उसके पास कितना बचा, तो थ्री अपॉन टेन उसका शेयर था, माइनस कर दिया मैंने थ्री अपॉन फोर्टी, तो फोर्टी एलसीएम, टेन का डिवाइड टेन से दिया, सॉरी टेन का डिवाइड फोर से दिया, फोर्टी से दिया फोर, फोर का मल्टीप्लाई थ्री से किया ट्वेल्व, फोर्टी डिवाइडेड बाई फोर्टी डेट्स बिकम वन, वन मल्टीप्लाई बाई थ्री थ्री, देन ट्वेल्व माइनस थ्री इक्वल टू नाइन, नाइन अपॉन फोर्टी। तो ये बच गया डेट्स इज रिमेनिंग रेशियो ऑफ क्यू, ठीक है। देन आर, अब आर ने दोनों से ले लिया है, कितना कितना लिया है, फाइव अपॉन थर्टी एंड थ्री अपॉन फोर्टी, टू अपॉन टेन तो उसका पहले का रेशियो था, प्लस फाइव अपॉन थर्टी ये आ गया उसका शेयर, प्लस थ्री अपॉन फोर्टी ये भी ले लिया, तो ये एलसीएम आ गया 120, 120, देन 10 का हम जब 120 में देंगे तो आएगा 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 224, 30 डिवाइडेड बाई 120, 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 20, 40 डिवाइडेड बाई 120 डेट्स बिकम 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 9, सॉरी 3, 3 जा 9, देन हम इसको ऐड कर लेंगे तो 53 अपॉन 20। देन अब हमको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये तो आया था आर का शेयर, तो देखिए ये बचा था एक तो रिमेनिंग शेयर, और एक बचा था हमारा ये 9/40, ये दो थे उन दोनों के शेयर जो कि क्या थे हमारे, रिमेनिंग थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10/30, 9:40, 53:20, ठीक है, सॉरी 120। देन इन सबका जब हम एलसीएम ले लेंगे, और जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे ही आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो रेशियो आएगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 40:27:53। तो ये हो गए हमारे तीन केसेस जिससे हमारे फाइंड आउट होते हैं क्या, डिफरेंट डिफरेंट केसेस से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थैंक यू।